चलिए सीधा आपको मारवाड़ गौरव सम्मान समारोह की ओर लिए चलते हैं। निराली ढाणी रिसोर्ट में समारोह का आयोजन फर्स्ट इंडिया की ओर से आयोजन है और देखिए जोधपुर से लाइव तस्वीरें। पूर्व सांसद और भामाशाह बद्री जाखड़ साहब, जोधपुर के बहुत ही जुझारू और कर्मठ पुलिस अधिकारी, यहां के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ साहब, यहां इस कार्यक्रम में विराजे समाज के अलग अलग क्षेत्रों से अपने हुनर अपनी प्रतिभा दिखाने वाले और आज यहां इस गौरव इस सम्मान को पाने वाले सभी प्रतिभागण, जोधपुर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मुझे बेहद खुशी है कि आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल यहां पे उन लोगों को सम्मान कर रहा है जिन्होंने अपने तन मन धन से समाज की सेवा की है, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये उनका काम है या नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब भीख मांगने वाले बच्चों के उत्थान की बात हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो कला संस्कृति शेरो शायरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हो। जोधपुर जो कि हमारे इस प्यारे राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी कहा जाता है, इस सूर्य नगरी के आप सभी जो सितारे हैं उन सबको मैं चैनल की तरफ से अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। कई बार बात आती है कि न्यूज़ चैनल इस तरह के सम्मान समारोह क्यों करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना, अपने सुख दुख की परवाह किए बिना समाज की इतनी सेवा में जुटे हुए हैं, तो ऐसे सम्मान समारोह से उनका मोटिवेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। वो आगे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे से करने के लिए तत्पर तो रहते ही रहते हैं, लेकिन समाज के दूसरे सदस्य वो उनका ये रूप देख करके, ये जानकारी उन तक पहुंचती है, उनका सम्मान उन तक पहुंचता है, तो वो भी ऐसे कामों में अपनी रुचि रखते हुए उसको करने के लिए तत्पर होते हैं और इससे पूरे समाज का भला होता है। तो ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए कि कौन कौन हमारे समाज के ऐसे प्रतिभाएं हैं, ऐसी विभूतियां हैं जो कि इस तरह के समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत उपादेयता है। जिन प्रतिभागियों का, जिन मानद विभूतियों का आज यहाँ सम्मान किया जाएगा, उनका चयन करते समय बहुत ही संवेदनशीलता बरती गई है, सब पहलुओं का ध्यान रखा गया है, लेकिन जैसे अभी पहले गौड़ साहब ने कहा कि हो सकता है कुछ प्रतिभाएं अभी भी हमारे सामने आने से रह गई हों, तो ये कोई अंतिम सूची नहीं है। जोधपुर तो गुणीजनों की खान है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है प्रतिभाओं की, तो हो सकता है कुछ प्रतिभाएं आज यहाँ सम्मानित होने से छूट भी जाएं, तो हम ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम आज ही होगा और फिर नहीं होगा, तो इसका सेकेंड फेज भी हम आगे लेकर के आएंगे और ये एक निरंतरता बनी रहेगी। आप सब लोगों का प्यार और सहयोग इस चैनल को मिलता रहेगा। अब तक फर्स्ट इंडिया सबसे पहले सबसे प्रमाणिक खबर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे फर्स्ट इंडिया इस तरह के सामाजिक सरोकारों में भी आगे आ रहा है और आप सब लोगों के सहयोग से फर्स्ट इंडिया चाहता है कि आम जन का, गरीब का, जरूरतमंद का जो भी समस्या है, जो भी उसकी जरूरत है, उसको सरकार तक, उसको अधिकारियों तक सामने लेकर के आएं और उन दोनों के बीच का गैप ब्रिज करें, उसको ब्रिज करके उनकी समस्याओं का समाधान कराएं, ताकि ये जो हमारा प्रदेश है, ये जो हमारा शहर है, ये और खुशहाल बन सके। आप सब इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गज सिंह जी महाराज भी यहां पधारते, लेकिन वो इस शहर में अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने शुभकामना संदेश भेजा है और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। महारानी साहिबा से मैं अर्ज करूंगा कि वो उन तक हमारी भावनाएं पहुंचाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद पवन।